तो लोगों हो सकता है थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो यार, फुल वॉल्यूम में करना ठीक है और इंजॉय। सो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ वापस आपके लिए एक और वीडियो लेके। आप देख रहे हैं सिंग इंडियन लायन, और भाई लोग मैं वापस से कोलैब लेके आया हूँ क्योंकि कोलैब ने मेरे चैनल को बहुत लकी बनाया है। ठीक है, वैसे भी कुछ नई नई चीजें आई हैं तो व्यूज क्यों ना पे लग जाए। और फिर हमारे साथ आज कोलैब कर रहे हैं ओपी फैक्ट्स फेस। यस ब्रोस, हेलो एवरीवन। अविरल की जनता, मैं ओपी फैक्ट्स पेस हूँ। हमने पहले भी कोलैब करा है, उस पर थोड़े ज्यादा व्यूज आ गए थे, तो अविरल ने मुझे दोबारा से बुला लिया है। हाँ जी भाई भाई, उस वक्त में हमने यार लुटेरों को पेला था, हमने लुटेरों को एक्सपोज किया था उस कोलैब में। अगर आपको वो कोलैब देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और उस कोलैब को जाके देख लो। आप अविरल के सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो जिसपे वो रिलीजियस बातें डालते हैं। सो चाओ, भाई वो भी माफ मस्त चैनल करना है। यार, आज कोलैब पे वीडियो बनेगी इसलिए आज मैं ना शनि एकादशी के ऊपर रिलीजियस वीडियो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि आज कोलैब है। कोई नहीं, बाद में जरूर डल जाएगी। तो भाई जी, आज का टॉपिक क्या है भाई? आज का टॉपिक हमारा रशिया से रिलेटेड है। रशिया में बहुत सारे उथल पुथल हो रखे हैं भाई। अब भाई रशिया बहुत में कुछ हो रखा उसकी मिलिट्री ने मतलब उसी के है। खिलाफ हो प्राइवेट चुके हैं। मिलिट्री पावर ने, मैं बता देता हूँ, प्राइवेट मिलिट्री पावर जिसका नाम है वैगनर्स ग्रुप, उसने भाई रशिया के वैगनर्स अगेंस्ट ही रिवॉल्ट, रेबल रशिया के अगेंस्ट ही रेबल कर दिया। बाप रे भाई लोग, जहाँ जिन लोगों को नहीं पता, वैगनर एक प्राइवेट पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाफ कम्युनिस्ट हाफ कैपिटलिस्ट तरीके काम करती है, और वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया की तरफ से लड़ाई करती थी। लेकिन है ना, अब वो रशिया के विरुद्ध हो चुकी है और अब शुरू हो चुका है वैगनर्स रिवोल्ट। जी 4 दिन पहले ही वो लोग मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, और जब भी कोई देश किसी की कैपिटल की तरफ बढ़ता है तो भाई उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो रशिया यहाँ पे वैगनर्स को रोकने में काबिल रहा, लेकिन रशिया की साइड से 13 लोग मर हाँ, गए, अब दो रशिया ने तो आबादी इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का सोचा है, लेकिन अब देखते हैं कि वैगनर्स ग्रुप इस जो रशिया का एक्शन है कि वो उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, उस पर अटैक करेंगे। देखते हैं वैगनर्स ग्रुप क्या रिवोल्ट करता है या फिर क्या उनके पास स्ट्रैटेजी रहती है रशिया को उससे आज भी। बेसिकली आज के कोलैब के मोटिव ये है कि वैगनर्स ग्रुप वैगनर्स रेबेलियन को जानना। दूसरा मोटिव, क्या ये पहली बार हुआ है कि किसी ने मॉस्को की तरफ मार्च किया है रशिया में हिस्ट्री में? और तीसरा, क्योंकि भाई हमारा ये पहला वीडियो है यार, आप समझो ना बात को, हर कोई न्यूज चैनल नहीं वैगनर्स रेबेलियन पे वीडियो डाले हैं, ये बस ये अकेला एक पहला ऐसा वीडियो है जिसने अभी तक वैगनर्स ग्रुप के ऊपर एक प्राइवेट अपनी वीडियो डाली है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो सिद्धांत जी, क्या 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 ये जो बात है मॉस्को की तरफ मार्च करना, क्या ये पुरानी है? काफी पुरानी है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब रशिया इवन सोवियत यूनियन था तब भी, मतलब जब उनकी कैपिटल भी दूसरी थी, तो उनके कैपिटल की तरफ बहुत बार हमले हुए हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज है। अगर कोई देश एक देश के ऊपर अटैक करता है तो उसकी कैपिटल पे जरूर कोई देश हमला करना चाहेगा, क्योंकि वहीं से उसका पूरा देश ऑपरेट होता है। ठीक है, इसका मतलब मॉस्को की तरफ वैसे भी बहुत लोगों ने हमला किया है, उसमें सबसे घातक हमला आपकी आपके लिए कौन सा हुआ मॉस्को में अभी तक? अभी तक तो बहुत सारे हमले हुए हैं। आई थिंक सच्ची बताऊँ तो ये वाला ज्यादा सबसे ज्यादा घातक होगा वैगनर्स ग्रुप का, क्योंकि वैगनर्स ग्रुप का इतना घातक क्यों हो सकता है, क्योंकि उनके पास अब के लेटेस्ट क्या बोलते हैं, लेटेस्ट वेपन्स हैं जो रशिया के खिलाफ वो यूज करेंगे, और रशिया की ही टेक्नोलॉजी को वो लेकर रशिया के खिलाफ ही यूज करेंगे। और आप सबको पता है कि रशिया के पास कितनी घातक वेपन्स हैं, इसलिए ये सबसे खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर रशिया के गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया तो शायद ये रिवॉल्ट रुक सकता है। इसके खतरनाक के जो हमारे पास सिंबल्स आ चुके हैं वो है कि 13 लोग मर चुके हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि वैगनर रेबेलियन बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन अभी तक नाजी जर्मनी का सबसे पावरफुल इन्वेजन हुई है अभी तक मेरे हिसाब से रशिया में, लेकिन वो मॉस्को तक नहीं पहुंच पाई थी और वैगनर भी मॉस्को तक नहीं पहुंच पाए।
अब नेक्स्ट सवाल ये होता है कि अगर वैगनर या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मॉस्को पे पहुंच जाती है तो फिर क्या होगा? मुझे तो लगता है एक्चुअली मुझे जो लगता है वो सबको लगेगा कि रशिया का काफी नुकसान होगा, क्योंकि रशिया का मेन एक एक ही सिटी है यार, उसी से रशिया ज्यादातर ऑपरेट होता है। रशिया बहुत ज्यादा बड़ा है, जिससे उस सिटी पे जब वो कब्जा कर लेंगे, वैसे तो रशिया होने नहीं देगा, लेकिन अगर वो बाय चांस कब्जा कर लेते हैं तो रशिया के इतना बड़ा रशिया को टूटने में टाइम नहीं लगेगा, जिसमें ऐसे कई सारे दूर दूर के पार्ट जो मॉस्को से बहुत दूर है वो टूट सकते हैं इजीली, और दूसरे लोग उस पर कब्जा भी कर सकते हैं। अगर वैगनर्स ग्रुप ने सफल हुए मॉस्को में रहने में, तो हम ये कह सकेंगे कि यूएसए, जर्मनी और यूक्रेन भी इस वैगनर्स ग्रुप का साथ देंगे और इन्हें मटेरियल सप्लाई करेंगे, वेपन्स और मटेरियल्स। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैगनर्स रेबिलियन अगर आगे बढ़ती है तो हमेशा की तरह वही सवाल जो कि पूरी दुनिया पूछती है, और वो है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वैगनर रेबिलियन एक बहुत सिंपल सी प्राइवेट सी पैरामिलिट्री है, मतलब सिंपल क्या कहूँ, पैरामिलिट्री स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन रशिया के सामने नहीं, वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगी। लेकिन एक चीज है जो कि वर्ल्ड वॉर एनिमेट कर सकती है, क्योंकि क्योंकि वैगनर रेबिलियन हुई है तो यूक्रेन ने इसका फायदा उठाते हुए अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं। आपका क्या कहना है? हाँ, वो मैंने बोला जैसे कि यूक्रेन, यूएसए, जर्मनी, ऐसे दूसरे और भी कई सारी कंट्रीज, रशिया जो रशिया को पसंद नहीं करती वो तो अटैक करेंगी। और जहाँ तक बात रही वर्ल्ड वॉर 3 की, तो मेरे विचार थोड़े अलग है। मुझे लगता है कि हो सकती है अगर दूसरी कंट्रीज ने ज्यादा ज्वाइन करा। देखिए, वर्ल्ड वॉर तब होती है जब बड़ी बड़ी सुपर पावर्स एक दूसरे से भिड़ जाती है। अभी हमारे में सुपर पावर्स कौन सी है, मतलब हम जो काउंट कर सकते हैं, चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया, ये सब सुपर पावर्स हैं। अब अगर इसके अंदर यूएसए घुस जाता है तो चाइना तो पक्का घुसेगी। अब इंडिया चाहे जितना भी न्यूट्रल ले रहे, चाइना, रशिया और इंडिया अभी अभी अमेरिका के साथ अच्छे एक मीटिंग करके आया था, अभी सब पता है, तो हाँ शायद शायद, इंडिया अभी अमेरिका के साथ गुड रिलेशन बनाए रख रहा है। लेकिन मेरे पर हिसाब से रशिया तो के साथ इंडिया, भी गुड रिलेशंस है इंडिया के। अभी न्यूट्रल है। अगर आप लोगों को इंडिया जानना न्यूट्रल, है कि क्या इंडिया न्यूट्रल है, तो फिर आप इस पर, तो फिर यार इस पे थोड़े अच्छे व्यूज अगर आएंगे तो हम इस पे भी कोलैब ला सकते हैं। लेकिन जरूर। अभी तो हम वैगनर रेबेलियन पे बात करें, तो अगर ये लोग मॉस्को कैप्चर कर लेते हैं तो आपके अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो जाती है तो फिर इंडिया का क्या? इंडिया मेरे हिसाब से न्यूट्रल रहेगा, आपके हिसाब से इंडिया क्या करेगा? हाँ, न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि इंडिया का यूएसए है सबको ही पता है, बहुत बड़ा अच्छा दोस्त है। अभी मोदी जी दुब मिलके भी आए हैं यूएसए में, एक काफी अच्छा विजिट था और एक सक्सेसफुल विजिट था। साथ ही साथ रशिया से तो सबको ही पता है कि कितने ऐसे संबंध है बहुत पहले से है इंडिया के, तो इंडिया दोनों साइड से न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि वो किसी के साइड नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो किसी के साइड चले जाता है तो उसका ही नुकसान होगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि वैगनर रेबेलियन हो गई है मॉस्को तक, मॉस्को पे खतरा मंडरा रहा है, यूक्रेन ने बाखमुत जिलों में अपने अपने रेबेलियंस बढ़ा दिए हैं, तो आपको क्या लगता है ये रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसमें क्या यूक्रेन जीत जाएगा? अगर वैगनर्स ग्रुप ऐसे ही अटैक करता रहा रशिया के ऊपर, तो और तब यूक्रेन भी उसका फायदा उठाएगा। और यूएसए ने, जैसे कि अभी अभी लेटेस्ट न्यूज है, जो अभी अभी यूएसए ने यूक्रेन को $500 मिलियन देने का वादा करा है, तो और $500 मिलियन के अंदर पैसे, वेपन्स, एड सब होगा। तो वेपन्स उनके पास यूएसए के आ जाएंगे, जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेपन्स है इन द वर्ल्ड। तो अब यूक्रेन के पास वेपन्स है, मनी है, एड्स है, और एक उनका सबसे बड़ी चीज है वैगनर्स ग्रुप। तो इजीली अगर वैगनर्स ग्रुप ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और वैगनर्स ग्रुप को सपोर्ट मिला, तो चांसेस बन सकते हैं कि यूक्रेन इस वॉर को जीत जाए। तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के लिए, जो जिसके अंदर हम बात करेंगे कि वैगनर्स ग्रुप क्या है। अवरल जी, आपको क्या लगता है कि वैगनर्स ग्रुप क्या है और कैसे बना?
वैगनर्स ग्रुप बेसिकली एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो रशिया के पास कई सारी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, और बहुत सारी गवर्नमेंट फंडेड भी हैं। और हमें जैसे कि पता है कि रशिया कम्युनिस्ट नहीं है, तो इनमें से कई सारी कैपिटलिस्ट भी हैं। जहां तक बात आती है कि वैगनर क्यों बना, ये बस उन्हीं पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में था, जो कि बस इसलिए बन गए क्योंकि उन्हें देश को गार्ड करना था और बस एक पैरामिलिट्री में जुड़ना था। हाँ एकदम सही है। वैगनर्स ग्रुप इसलिए बनाया जिससे वो देश को गार्ड कर सके। इंडिया के भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बट वैगनर ग्रुप ने अब एकदम ओपोज कर दिया रशिया का। अब बात आती है कि क्यों अपोज करा है रशिया का वैगनर्स ग्रुप ने, जो रशिया को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। देखिए ऐसा ऐसा उन्होंने है, देखिए ऐसे तो उनकी वैसे बहुत कम स्पीचेस अभी डिस्क्लोज हुए हैं। जैसा कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा, 2023 तक ये एक सीक्रेट पैरामिलिट्री प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। जी हाँ, ये अभी अभी, क्योंकि अभी अभी कुछ रिवोल्ट हुए हैं इसकी वजह से ये आई है, लेकिन रीजंस इतना अच्छे से डिस्क्लोज नहीं हुए, ठीक है, बिकॉज रशिया और दोनों वैगनर कुछ दोनों ज्यादा स्पीचेस नहीं दिए हैं इस बारे में। तो रीजन हमें पक्का जब पता लगेगा तभी मैं उसके बारे में कह सकता हूं, वरना तो अभी तो बस रीजन यही है कि वैगनर कुछ ना कुछ तो ऐसा रशिया के लिए, जो शायद रशिया अपनी मिलिट्री में कुछ ज्यादा ही गलत कर रही है, या तो कुछ और रीजन भी हो सकता है। या तो हो सकता है वैगनर को यूक्रेन से प्यार हो गया हो, या हो सकता है कि वैगनर चाहे कि रशिया नाटो में घुस जाए, लेकिन वैगनर ऐसा नहीं करे। मेरे हिसाब से तो वैगनर एक थर्ड कमांडर हो गई, ठीक है, इस वॉर में पहले दो कमांडर थे, एक तो रशिया और यूक्रेन, अब तीसरा भी आ गया वैगनर मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो वैगनर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लगती है, एक पैरामिलिट्री फोर्स ऐसी लगती है कि उन्होंने रशिया के खिलाफ, मुझे लगता है इसलिए रिवोल्ट करा होगा कि उन्हें लगा होगा कि वैसे ही यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से रशिया और यूक्रेन दोनों को इफेक्ट हुआ है, जिससे वैगनर इस बात का फायदा उठाकर अपना फायदा ढूंढ रही होगी इस रिवोल्ट और इस फाइट के अंदर, इस वॉर के अंदर। वैगनर का एक्चुअली क्या कहते हैं, वैगनर में अभी लीडर कुछ लीडर का नाम कुछ येगवेन करके है, येगवेनी कुछ ऐसा ही करके। तो बेसिकली उसने ही एक स्पीच मुझे मिली थी, अगर मैं कुछ करूं तो मैं इसको अभी आपको स्क्रीन दिखा सकता हूँ। नाम है इसका पूरा येवगेनी प्रिगोजिन, और ये पता नहीं क्या चाहता है। वैगनर ग्रुप के बारे में अगर और जानना है तो हम, अच्छा बाय द वे, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस अभी इस कोलैब पे चल रही है ये सब विकीपीडिया से है, ठीक है, तो इसके लिए कोई हमें गुस्सा गुस्सा नहीं करेगा कोई, ठीक है। अच्छा ये जो है, ये इसके ऑपरेशन 2014 से शुरू हुए हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, यानी कि ये थोड़ी अपग्रेडेड है और पावरफुल है। ओके, और ज्यादातर इस फोर्स ने लगभग रशिया की हर एक आर्मी फोर्स में क्या कहते हैं काम किया है, जरूर किया है। तो जैसे कि उन्होंने अगर मतलब ये हट जाती है, अगर ये हट जाती है तो फिर रशिया को अपने कई सारे ऑपरेशंस को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया सिर्फ अभी एक वॉर पे नहीं है, हजारों में है। तो इस वजह से हमें ये देखना पड़ेगा, हो सकता है रशिया वीक हो जाए, और क्योंकि इतना कुछ हो रहा है, अभी इतने कुछ पहले हो रहे हैं, हो सकता है कि यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट जीत जाए, और हो सकता है मॉस्को अमेरिकन अमेरिकन कॉलोनी भी बन सकता है, लेकिन वो सब भी बहुत ज्यादा खतरनाक सोच है, बहुत आगे की सोच है। आपको क्या लगता है, आखिर आप एक बार बताइए, क्या पुतिन इन सब से डरता नहीं, आपका क्या ख्याल है? पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन को ये सब पता है कि वो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे कि सबको पता हो रहता है कि जैसे हमें ही पता है कि ऐसा हो सकता है, तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि उन्हें भी पता है। एंड वो डरते तो मुझे नहीं लगता कि है, उन्हें पता है कि उसे कैसे सामना करना है उस चीज का। लाइक अगर वैगनर ग्रुप ही उनके अपोज में अगेंस्ट हो गए, जो रशिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामिलिट्री ग्रुप है, एंड वही उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया, तो रशिया की पावर डेफिनेटली वीक होगी और रशिया वीक होगा, जिससे अमेरिका या फिर कोई दूसरे देश जो रशिया के विरुद्ध है वो उस पर अटैक जरूर करेंगे और वॉर का हिस्सा बन जाएंगे। एंड ये रशिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी, शायद रशिया इससे कुछ और भी ओवरकम कर।
सो फ्रेंड्स, क्योंकि ये अभी नया नया टॉपिक है और हमारे पास इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कम है, तो जब तक वैगनर टॉपिक्स पे अगर आती रहेगी तो देखते हैं हम आगे भी उसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन कोलैब, यहीं पे मेन मुद्दा कोलैब का ख़त्म होता है। ठीक है, आप सिद्धांत के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओपी फैक्ट स्पेस में नीचे ज़रूर ऐड करके उसको मेंशन कर दूंगा, और मेरे चैनल को तो बिल्कुल मत सब्सक्राइब करना भूलना। आपने कोलैब्स में बहुत प्यार दिखाया, अगर आपको मेरे ऐसे कोलैब्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, और अगर थोड़ा सा भ्रम कर सकते हो तो शेयर भी कर देना। मेरा एक और कोलैब है, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म करने के लिए, कृपया करके उसे भी देख लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।